विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर बिल्डिंग में जीरो वेस्ट कैंपस प्रोग्राम के तहत वेस्ट कंपोस्ट मशीन एवं ऑर्गेनिक कंपोस्ट पैकेट का उद्घाटन किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जीरो वेस्ट कैंपस के तहत इस मशीन को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मशीन का आउटपुट 100 किलो तक है। इस मशीन को चलाने के लिए नॉन प्रॉफिट कंपनी को स्टार्ट किया गया है। इससे विश्वविद्यालय कैंपस के पड़े कूड़े को इकट्ठा करके मशीन के द्वारा कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कूड़ा इकट्ठा करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिपार्टमेंट में बाल्टी दिया गया है, जिससे कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। इससे विश्वविद्यालय का परिसर साफ सुथरा रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वा साधके शरणेत्रे गौरनारायण नमोस्तु ते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुराधिकारी भानु सस्य लक्ष्मी पापात्मनाश्रद्धा परिसर में लगी है, जो पहली मशीन सर के घर पे लगी थी उसी की तरह ये मशीन लगी। और डे पे हमारा जो ये इनिशिएटिव है, जिसको हम बोल रहे हैं जीरो वेस्ट कैंपस इनिशिएटिव, हम लोग ने स्टार्ट किया है। ये पहले भी एक मशीन लगी थी, वो उसका जो आउटपुट था कम था, वो करीब 10 किलो पर घंटा देती थी। ये बड़ी मशीन है, इसका आउटपुट 100 किलो तक है। तो और ऐसी और भी मशीन हम लोग लगाएंगे। ये अभी बिल्डिंग स्टार्ट हुई है, जिसको हम इंक्यूबेशन सेंटर कह रहे हैं। ये एक फर्स्ट नॉन प्रॉफिट कंपनी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो इसको चलाएगी। मेरा ये मानना है कि हमारे प्रोफेसर्स काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसका प्रोग्राम किया, इसको बनाया।
लेकिन इसको चलाने के लिए हम प्रोफेशनल्स को रखेंगे। हम लोग ने आईएम से ट्रेंड और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले मिस्टर नरेश तिरखा को कंसल्टेंट रखा है इसका, कई कंपनी के एमडी रह चुके हैं, और हम लोग कुछ मैनेजर्स लेने जा रहे हैं, यहाँ पे 3-4 मैनेजर्स अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि ये पूरा, चूँकि कूड़ा है और कूड़ा इकट्ठे करने के लोग भी हैं, उसके कंटेनर भी हैं, लेकिन उसको कैसे एक सिस्टम में बनाया जाए, तो उसके लिए हम लोग मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं जो एमबीए होंगे, और उनको हम लोग अच्छा पैसा देंगे, वो सारा इंश्योर करेंगे, सारा कूड़ा इकट्ठा हो, यहाँ आए, और यहाँ पीछे शेड बन रहा है, ये मशीन शेड में शिफ्ट हो जाएगी, और उस शेड से फिर वो मैकेनाइज्ड वे में, जैसे खाद निकलेगी, खाद के बाद वो उसमें उसकी पैकेजिंग भी होगी, तो ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है। और हम लोग का प्लान ये है कि कैंपस में जितना भी कूड़ा है, डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल, वो सारा इसमें आए। हमने 3-3 बास्केट हर डिपार्टमेंट में और हर उसमें कंटेनर में दिया है, एक ब्लू, ग्रीन और येलो। आप अभी देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, अभी ये छोटा बास्केट है, लेकिन ये बड़ा हर डिपार्टमेंट में लगने जा रहा है, कुछ को हम लोग ने दे दिया है। तो डिपार्टमेंट की ड्यूटी होगी कि वो इसमें पहुंचा दे कूड़ा, और फिर वो कूड़ा, फिर हमारी जो ये टीम है, जीरो वेस्ट कैंपस की टीम है, उसमें हमारे स्टूडेंट भी रहेंगे, हमारे स्टूडेंट जो उनको पे करेंगे हम लोग उसमें लर्न बाय लर्न में, और कुछ मैनेजर्स रहेंगे हमारे, टीचर्स जो हैं सुपरविजन में, खासकर बॉटनी में हैं, हेड हैं डॉक्टर स्मृति मल हैं, जूलॉजी में, एनवायरनमेंट में है, तो उनके सुपरविजन में ये सारा व्यवस्था होगी, और उसका खाद बना के फिर हम लोग, आपने देखा एक सिंबॉलिक, अभी ये कमर्शियल स्केल पे स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्दी ही एक एकदम कमर्शियल वेंचर होगा और एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा। हमारा ये मानना है कि जितना जो हम कूड़ा इकट्ठा करेंगे, जितना लगाएंगे, अभी एक तो सफाई रहेगी, दूसरा हम उसका प्रॉफिट मेकिंग करेंगे। अभी एक इशू आ रहा है कि जो नॉन डिग्रेडेबल जो वेस्ट है, डिग्रेडेबल का तो खाद बन जाएगा, तो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट का हम अभी कोई मशीन अभी नहीं, वो उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बात करेंगे, नॉन डिग्रेडेबल जो है, खासकर आजकल जो COVID-19 में आ रहे हैं, किट है, मास्क है, ये है, और जो हमारे केमिकल्स हैं और बोटल्स हैं, और वो चीज़ें वो उठा ले जाए, तो इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाने की तैयारी है। आज बहुत ही हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे स्टार्ट किया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इस समय ये जो इसका फोकस है यूनो का, यूनाइटेड नेशन का, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का है, तो ये कदम है हमारा, जो एक बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, जो एक नेचुरल हैबिटेट था जिसमें एनिमल थे, नेचुरल वो थे, और बहुत सारी स्पीसीज थी, अफॉरेस्टेशन कटाई, पेड़ों की कटाई कारण वो डिस्टर्ब हुआ है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो ये वायरस, फंगस, बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल होते हैं, ये फ़ायदेमंद भी होते हैं, वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और कोरोना वायरस उसकी एक देन है जो डिस्टर्ब हुआ है। तो ये एक एफर्ट है हमारा कंप्रिहेंसिव कैंपस में, इसको एक मॉडल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, और इसकी जो टीम है हमारी, इंदौर से टीम है, अभी पूरी नहीं लगा पाए हैं कि हमारा वो बन नहीं पाया है, पीछे शेड बनेगा तो उसमें डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल पैकेजिंग और प्लास्टिक कंटेनर, कैसे खाद स्टोरेज कैसे होगा, फिर वो कैसे जाएगा, पूरा कंप्लीट बनाएंगे। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बना के हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये बहुत वैसा इनिशिएटिव है, और इसको अभी स्टैंडर्डाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये हर कैंपस को रिपीट करना चाहिए। मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी लोगों को बधाई देता हूँ, और अनुरोध करता हूँ कि इस तरह का पार्टिसिपेशन करें। हम लोग धीरे धीरे कैंपस से बाहर निकलेंगे, हम लोग एक टाइप करने जा रहे हैं सारे होटल से, कि आप अगर होटल के बाहर अपना कूड़ा डाल दोगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उठा कर ले आएंगे और इसको खाद में बदलेंगे, तो ये नेक्स्ट अपना कैंपस कवर कर लेंगे, फिर हम लोग बाहर निकलेंगे, और मशीनें ये रिपीट होंगी, ये छोटी मशीन है, बड़ी आने वाली हैं, वो और होगी, इसका हम लोग बाहर शेड में लगा के इसको करेंगे।